मीटर प्लेट ऑटोमेटिक था, अब इसको हम हटा के सब अब मैनुअल यानी कि देसी तरीके से कर रहे हैं। देसी तरीके से करने के लिए ये चाहिए, एक चाबी स्विच चाहिए, इसके बाद ये कि एम्पियर मीटर चाहिए, और ये हम लोग उसमें अब देसी लगाने वाले हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ खास नहीं होता है, लेकिन ये देसी होता है तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, तो ये इसी को लगाने वाले हैं। और उसके लिए फिर हम लोग चाहिए कुछ थिम्बल वगैरह, ऐसा कुछ थिम्बल चाहिए लॉक वाला, फिर 10 नंबर थिम्बल, 13 नंबर थिम्बल, और कुछ तार वगैरह चाहिए। सभी कंपोनेंट्स जैसे चाबी स्विच, एम्पियर मीटर और क्या कहते हैं टेम्परेचर मीटर को इस प्लेट में पहले हम लोग अच्छी तरह से फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद ही हम इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा होल, इसमें हम 96 mm का वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर लगाएंगे। आइए अब इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन चाबी स्विच में इस सब कुछ होता है दोस्तों, इसको जान जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये जो सफ़ेद और ब्राउन कलर का तार है दोस्तों, ये जाता है पहले एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल पे, और वहाँ से एक टर्मिनल और वहीं से एक निकल के बैटरी पर चला जाता है, और जो ये दो सेकेंड टर्मिनल है यहाँ से एक तार निकल के अल्टरनेटर के 10 नंबर पे जाता है। और ये दोस्तों चाबी स्विच का ये 2 नंबर वायर होता है जो ब्लू और ब्राउन होता है दोस्तों, ये जाता है इंडिकेटर पे, इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे, और इंडिकेटर के एक टर्मिनल जो बच जाता है वो जा जाता है अल्टरनेटर के खोस, अल्टरनेटर के ग्राउंड पे चला जाता है दोस्तों। जाता है लास्ट और तीसरा यानी कि रेड और ब्लैक, ये दोस्तों ये जाता है सेल्फ स्टार्टर के जो 8 नंबर का यानी कि सोनो लाइट स्विच होता है उससे। दोस्तों अब आइए हम कनेक्शन देख लेते हैं।